हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे आई एम मेकिंग यू रीड फोर्थ क्लास इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर समर वैकेशन एट द विलेज। गर्मियों की छुट्टियां गांव में। गर्मियों की छुट्टियां सभी बच्चों को पसंद है। सभी गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। यहां पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिचा और टीनू के बारे में, जो समर वैकेशन में अपने अंकल के घर गांव में गए थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, यू हैव टू रीड विद मी। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजरस मैनकाइंड इज फेस्ड विद। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। प्रदूषण एक सबसे बड़ी बहुत ही डरावनी भयंकर स्थिति है जिसे हम सभी लोगों को सामना करना पड़ता है, पड़ रहा है और करना पड़ता है। इट इज़ कर्स्ड एज अ रिजल्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक पॉइजनस गैसेस एंड केमिकल इनटू एयर, लैंड, एयर एंड वाटर। इसके कारण धरती पर हवा में और पानी में बहुत सारी पॉइजनस गैसेस मिल रही हैं और केमिकल्स मिल रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। There are factories and vehicles and a large population in cities and town. Factories, cities में बहुत सारी factories होती हैं, बहुत सारे vehicles होते हैं और city में population भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण वहाँ पर बहुत pollution होता है। These cities and towns was are the टाउन आर देयरफॉर वेरी पॉपुलेटेड। इसी कारण पॉपुलेशन होने के कारण सिटी में बहुत पॉल्यूशन है। एज देयर आर नो फैक्ट्रीज एंड ओनली स्मॉल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द विलेज एंड द पॉपुलेशन इज ऑल्सो नॉट वेरी लार्ज, दे आर नॉट वेरी पॉपुलेटेड। इसी के विपरीत गाँव में ना तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती हैं, ना ही बहुत ज़्यादा व्हीकल होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। इसी कारण गांव होते हैं वो शुद्ध होते हैं और प्रदूषण रहित होते हैं। वहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है, व्हीकल्स भी कम है और फैक्ट्रीज भी कम है। नाउ अबाउट द चैप्टर, अब हम चैप्टर के बारे में बताते हैं। रीड द लेसन टू नो व्हाई रिचा एंड टीनू वॉन्ट टू स्पेंड देयर समर वैकेशन एट देयर अंकल विलेज। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिचा और टीनू अपने समर वैकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में, क्यों अपने अंकल के घर गांव में जाना चाहते थे। नाउ वन एक्टिविटी फॉर यू, यू हैव टू डू एट होम ऑल्सो। टॉक टू योर पार्टनर एंड से विच इज़ गुड प्लेस टू लिव एंड विच इज़ बैड। आपको अपने फ्रेंड से, ब्रदर से, सिस्टर से डिस्कस करना है कि आप कहाँ जाना, कहाँ रहना पसंद करेंगे। या तो सिटी में, और वो सिटी में रहना पसंद करेंगे तो क्यों, या फिर विलेज में, अगर विलेज में रहना पसंद करेंगे तो क्यों। रिचा एंड टीनू लिव इन अ क्राउडेड सिटी। रिचा और टीनू एक शहर में रहते थे जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाला है। देयर आर नो ट्रीज माइल्स अराउंड, वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी पेड़ नहीं है। देयर आर मोटर्स एंड कार्स, जहाँ पर भी देखो चारों ओर मोटर कार्स ही कार नज़र आती हैं। देयर इज स्मोक एंड नॉइज, चारों तरफ धुआँ और आवाज़ ही आवाज़। देयर आर क्राउड्स एवरीवेयर, जहाँ पर देखो शोर ही शोर। पापा, पापा कहते हैं, हेलो रिचा, यू हैव ऑल स्माइल्स, व्हाट प्लेस डू यू वांट टू विजिट दिस समर वैकेशन। रिचा, आज आप बहुत खुश लग रहे हो, आप इस समर वैकेशन में कहाँ जाना चाहते हो। रिचा कहती है, पापा लेट्स गो टू अंकल्स हाउस दिस टाइम। इस टाइम हमें अंकल के घर चलना चाहिए, वो जो गांव में रहते हैं।
आई लव अंकल्स विलेज, मुझे अंकल का गांव बहुत पसंद है। देयर आर ट्रीज एंड प्लांट्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड लॉट्स बटरफ्लाई टू, वहाँ पर अंकल के गांव में बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड हैं, फ्लावर्स हैं, पक्षी हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, एनिमल्स हैं और बटरफ्लाइज भी हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। पापा कहते हैं व्हाई नॉट गो टू हिल्स, आप पहाड़ियों पर हिल्स पर जाना क्यों नहीं चाहते हो। रिचा वी हैड बीन टू हिल्स लास्ट टाइम टू, पापा हम लास्ट ईयर भी हिल्स पर गए थे। सो मैनी पीपल विजिट द हिल्स ड्यूरिंग द वैकेशन, बहुत सारे लोग छुट्टियों में हिल्स पर घूमने जाते हैं। इट बिकम नो लेस क्राउड एंड देन अ विलेज इज एज पॉल्यूशन फ्री एज अ हिल, क्योंकि बहुत सारे लोग हिल्स पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ हो जाती है और विलेज में लोग घूमने नहीं जाते हैं, इसलिए वो वहाँ पॉल्यूशन फ्री होता है। वहाँ बहुत सारे क्राउड होने के कारण हिल्स पर पॉल्यूशन भी हो जाता है और विलेज में पॉल्यूशन कम होता है, इसलिए मैं हिल्स को छोड़कर हिल्स के बजाय विलेज में घूमने जाना चाहती हूँ। मोर एवर द पीपल डोंट थ्रोंग अ विलेज ड्यूरिंग द विलेज, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि गांव घूमने जाना पसंद करेंगे। पापा लेट्स टॉक टू योर मम्मी, ठीक है आप हम आपकी मम्मी से पूछते हैं। रिचा पापा मम्मी इज ऑलवेज ऑल टू हैप्पी टू मीट अंकल्स, पापा आपको पता ही है मम्मी हमेशा अंकल के घर जाने के लिए रेडी रहती है और वो वहाँ जाकर बहुत खुश होती है। इन फैक्ट आई हैव ऑलरेडी टॉक टू मम्मी, पता है आपको मैंने मम्मी से पहले ही पूछ लिया है। पापा देन वी मस्ट टू टॉक टू टीनू टू, तो हमें अब टीनू से भी पूछ ही लेना चाहिए। रिचा आई हैव टॉक्ड हिम टू, पापा मैंने उससे भी पूछ लिया है। पापा इन फैक्ट इट्स ही ओनली हु केम आउट विद द आइडिया ऑफ विजिटिंग अंकल्स विलेज, आपको पता है गांव घूमने जाने का जो प्लान है, जो आइडिया है, वो टीनू का ही है। पापा यू आर नाइस चिल्ड्रन, आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। टुडे इज़ द फर्स्ट डे एट द विलेज, अब वो रिचा एंड टीनू अपने पापा मम्मा के साथ गांव पहुंच गए हैं, आज उनका वो फर्स्ट डे। रिचा एंड टीनू ऑल हैप्पी, क्योंकि वो गांव आ गए हैं तो बहुत ही खुश हैं। अंकल हैज़ अ बिग गार्डन एट द बैक ऑफ द हाउस, अंकल के घर के पीछे बहुत बड़ा गार्डन है। देयर आर ऑल काइंड ऑफ फ्रूट ट्रीज, उनके गार्डन में बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। देयर आर ऑल काइंड ऑफ ब्यूटिफुल बर्ड्स इन द ट्री, वहाँ पेड़ पर तरह तरह के बहुत सारे सुंदर बर्ड्स हैं। दे आर ट्रिपिंग मर्ली, बहुत तेजी तेजी से ची 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 कर साउंड कर रही हैं, ची 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 कर रही हैं। सम ट्रीज टीनू इज नॉटी एज ऑलवेज, जैसे कि टीनू हमेशा शैतान है, वो आज भी शैतानी ही कर रहा है गार्डन में। ही चेज अ बटरफ्लाई टू नो एंड, वो बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे पीछे भाग रहा है। इट फील्स सो नाइस टू बी हियर, अंकल रिचा सेज मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ अंकल, रिचा कहती है। इन द इवनिंग रिचा एंड अंकल गो आउट इन टू द फील्ड, शाम के समय रिचा और अंकल फील्ड मीन्स खेत, खेतों में जाते हैं। दे स्टैंड बाय द लेक, वो एक लेक के पास में खड़े हैं। देयर आर लॉन्ग बीक बर्ड्स एंड अराउंड द लेक, वहाँ पर लेक के चारों ओर बर्ड्स हैं, लंबी लंबी चोंच वाली बर्ड्स हैं। बर्ड्स फ्रॉम द स्काई कम डाइविंग कैचिंग फिश एंड फ्लाइंग अवे, आसमान में से उड़ती हुई बर्ड्स आती हैं, चोंच डालती हैं लेक में और फिश को कैच कर लेकर वापस उड़ जाती हैं। एवरीथिंग इज सो डिफरेंट हियर फ्रॉम आवर सिटी, अंकल रिचा स्पीक इन डिलाइट, रिचा खुश होकर कहती है अंकल यहाँ पर सब हमारे शहर से डिफरेंट है और यहाँ सब कुछ बहुत सुंदर है।
यस माय चाइल्ड, हाँ बेटा, यहाँ सब कुछ बहुत ही सुंदर और शुद्ध है। अंकल, दिस डॉग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डॉग इन आवर सिटी। अंकल, ये जो डॉग है वो हमारे सिटी वाले डॉग से डिफरेंट है। रिचा स्पीक इन सरप्राइज, रिचा आश्चर्य से बोलती है। इट इज़ जैकाल नॉट अ डॉग, रिचा। बेटा ये जैकाल है, डॉग नहीं है, ये भेड़िया है। एट दिस हाउस दे केम आउट टू प्रे ऑन बर्ड्स, अंकल से वो अपने घरों से निकलते हैं, जैकाल अपने घरों से निकलते हैं शिकार करने के लिए, अपना भोजन करने के लिए। रिचा इज नाउ फ्राइटेंड, ये सुनकर रिचा को डर लगने लगा। लेट्स गो होम, अंकल सेज, अंकल ने कहा चलो बेटा अब हम हमारे घर चलते हैं। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ देयर स्टे एट द अंकल्स होम, आज उनका लास्ट डे था अंकल के घर पर रुकने का, अब वो शहर जाने के लिए रेडी थी। रिचा एंड टीनू आर नॉट हैप्पी टू लीव द अंकल द विलेज, रिचा और टीनू खुश नहीं थे गांव को छोड़कर जाने में। फिर भी हाउएवर दे आर ईगर टू टेल देयर एक्सपीरियंस ऑफ द विलेज टू देयर फ्रेंड्स इन द सिटी, फिर भी वो तैयार थे कि वो कब शहर जाएं और अपने इस विलेज का एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स को बताएं कि उन्होंने विलेज में क्या क्या देखा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, ओके स्टूडेंट यू हैव टू रीड इट 2 times. Next day we will do question answer.